आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैच चिक्स में। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे यानी कि बिजली का चमकना पे, ठीक है। आकाश में जो बिजली चमकता है वो कैसे चमकता है, किस कारण से चमकता है, और पृथ्वी तक जो आवाज आता है, ठीक है, पृथ्वी तक जो आवाज आता है ये बहुत भयानक होता है, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो उसको सबसे पहले यानी कि समझेंगे कैसे, यानी कि वहां जो है किस कारण से यानी कि इतना आवाज, भयानक आवाज जो है पृथ्वी पे आता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यानी कि बिजली का चमकना, और ऐसा यानी कि बरसात में, यानी कि बरसात का मौसम जब आता है तो इसमें यानी कि बहुत ज्यादा देखने को मिलता है बिजली का चमकना। अब समझेंगे कि बिजली कैसे यानी कि चमकता है, ठीक है, आकाश में बिजली का चमकने का मुख्य कारण है क्या। तो चलिए सबसे पहले यानी कि समझेंगे, देखिए ये यानी कि क्या है, ये समझिए यानी कि बादल है, ठीक है, ये बादल है, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी यानी कि बादल है, ठीक है, ठीक है, बादल है। और बादल यानी कि आकाश में जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। तो समझिए यानी कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या है, यानी कि सब यानी कि निगेटिव चार्ज है एक बादल में, ठीक है, ये बादल है और इसमें यानी कि निगेटिव चार्ज है, और इसमें जो रहेगा यानी कि क्या रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यानी कि क्या होता है बादल में, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी यानी कि संख्या की बात किया जाए, यानी कि प्रतिशत की बात किया जाए तो लगभग यानी कि 87% होता है, कितना 87% होता है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, और वहीं पे पॉजिटिव चार्ज की अगर बात किया जाए तो लगभग यानी कि 13% होता है, कितना यानी कि 13% होता है, ठीक है, 13% होता है। और सबसे यानी कि जब यानी कि आकाश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यानी कि वहां पे जो होता है यानी कि 87% यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज मात्र कितना यानी कि 13% होता है, ठीक है। अब यानी कि जो आकाश में यानी कि भयानक आवाज जो आता है पृथ्वी तक, ठीक है, आकाश में जो टकराव के कारण होता है वो कैसे होता है, तो चलिए समझते हैं उसको। यानी कि जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज को अगर निगेटिव चार्ज से मिलाव होगा बादल में, जैसे टकराव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, निगेटिव चार्ज को निगेटिव से अगर यानी कि जैसे कि बहुत चल रहा है, एक ही बादल चल रहा है, एक ही बादल चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन अगर यानी कि सेम संख्या रहेगा, ठीक है, अगर दोनों निगेटिव रहेगा या दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन अगर एक यानी कि पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, ठीक है, यहां से एक निगेटिव जा रहा है और यहां से यानी कि इधर से यानी कि एक पॉजिटिव आ रहा है, दोनों के आपस में यानी कि टकराव होगा, ठीक है, दोनों के आपस में जो टकराव होगा बहुत भयानक टकराव होगा, ठीक है, एक यानी कि यहां से निगेटिव आ रहा है और यहां से यानी कि एक पॉजिटिव आ रहा है, ये दोनों को जो टकराव होगा आपस में बहुत भयानक होगा, इतना विस्फोट वाला यानी कि टकराव होता है तो यानी कि पृथ्वी तक महसूस होता है, और यानी कि लोग कहता है कि जैसे कि आम भाषा में यानी कि जैसे कहीं कहेगा कि ठनका गिर गया, ठीक है, और कहीं पे कहेगा कि बिजली गिरा, तो ये जो होता है ना ये यानी कि इलेक्ट्रॉन के टकराव के कारण होता है। और बहुत सारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये यानी कि मुख्यतः जो गिरने वाला क्षेत्र होता है, जगह होता है, यानी कि सबसे ऊंचाई पे यानी कि गिरता है, और दूसरी बात यानी कि तांबा जो होता है, तांबा, ठीक है, तांबा पे यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है बिजली, लेकिन ये सच है। तो देखिए दोस्तों ऐसा यानी कि साइंस में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये यानी कि संभवता होता है, ठीक है, लेकिन साइंस में कोई लिखा नहीं है, साइंस में लिखा है, ये लिखा है कि एक निगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज वो आपस में टकराने से बहुत भयानक विस्फोट होता है, जिसके कारण क्या होता है यानी कि पृथ्वी तक महसूस होता है टकराव, यानी कि कोई आवाज, बहुत भयानक आवाज, वो आवाज यानी कि जो होता है वो आकाश में होता है, इसी के कारण यानी कि बिजली का यानी कि चमकना यही प्रकार है। और इसको यानी कि कम कैसे करेंगे, ठीक है, बिजली का चमकना को जो जैसे कि कोई वायर है, ठीक है, कोई ट्रांसमिशन, ठीक है, कोई ट्रांसमिशन है और यानी कि यहाँ पे अगर बिजली का अगर चमकेगा, यहाँ पे अगर बिजली चमके तो इसके ऊपर यानी कि सबसे पहले एक वायर लगाया जाता है, और एक वायर जो लगाया जाता है वो वायर होता है यानी कि अर्थ का, क्या होता है यानी कि अर्थ का होता है, ठीक है, अर्थ का होता है सबसे ऊपर, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में देखिएगा सबसे ऊपर वाला वायर होता है अर्थ का होता है, तो क्यों प्रदान किया जाता है, तो बिजली जब चमकता है तो ट्रांसमिशन लाइन को सुरक्षा प्रदान करता है, ये तो ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करेगा ही अर्थ, लेकिन सबसे मेन जो वहां पे दिया जाता है इस मकसद से दिया जाता है, क्योंकि ये अर्थ यानी कि ये जो है ट्रांसमिशन में यानी कि बचाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन को बचाने के लिए, क्षतिपूर्ति से बचाने के लिए इसमें यानी कि अर्थ वायर सबसे ऊपर लगाया जाता है, और जो यानी कि बिजली का चमकने से भी बचाता है, ठीक है, इसका क्या करते हैं यानी कि अर्थ का उपयोग करते हैं। अब रही बात इसको यानी कि विद्युतीय डिवाइस में अगर जा रहे हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इसमें यानी कि तंदित चालक होता है, ठीक है, तंदित रोधक होता है, तंदित चालक, ठीक है, जिसको यानी कि लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर कहेंगे। ये क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर भी क्या करता है, बिजली के चमकने से यानी कि बचाता है, क्या है, बिजली के चमक से बचाता है और लोड से बचाता है, ठीक है। तो आप लोग, मैं ऐसा करता हूं, समझ गए होंगे, अगर कोई प्रकार का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इसका समाधान हो सके। धन्यवाद।